अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो पिछले क्लास से हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पाठ के बारे में पढ़ रहे थे, झांसी की रानी के बारे में पढ़ रहे थे। और अब तक हमने बहुत कुछ उनके बारे में जान लिया। हमने उनके बचपन के बारे में जाना, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में जाना, और उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपना बलिदान किया। और आप अपने अपना बलिदान दिया था, उनके संघर्षों के बारे में हम पढ़ रहे थे और आगे भी जानेंगे उनके संघर्षों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि रानी जो है वो बढ़ती हुई कालपी पर पहुंची और वहां पर उनका उनका जो घोड़ा था वो थककर चूर हो गया था और वो वहीं पर उसका निधन हो गया था। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और वो आगे पहुंची, आगे वो ग्वालियर पर, और वहां पर वो आगे बढ़ी। और वहाँ के जो राजा थे सिंधिया, वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और इस कारण वो मतलब वो वहाँ से भाग गए थे। रानी को वहाँ पर कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि वो वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ थे। ठीक है, तो हरबोलों के मुंह हमने इस वीरांगना के बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं। आगे बढ़ते हैं। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय का मतलब होता है, क्या होता है विजय का मतलब, क्या होता है विजय का मतलब होता है जीत। ठीक है, विजय का मतलब होता है जीत। फिर सेना का आपको पता ही है, सन्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सन्मुख का क्या मतलब होता है, आमने सामने। मुंह की खाई का मतलब होता है हार जाना, मुंह की खाई का मतलब होता है हार जाना। काना और मंदरा सखियां, सखियां का मतलब होता है सहेलियां, सहेलियां। ठीक है, संग साथ, युद्ध युद्ध क्षेत्र। ठीक है, भारी मार मचाई थी यानी कि बहुत ही तहलका मचा रखा था। इस प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो हमें यह कहती है कि रानी को निश्चय ही विजय मिली, रानी को निश्चय ही विजय मिली थी, पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया था और इस बार उनके सामने जनरल स्मिथ था और उसे भी हार खानी पड़ी, मतलब उसे भी हार का सामना करना पड़ा। जनरल स्मिथ को भी हार का सामना करना पड़ा और इस बार रानी के संग उनकी दो सखियां कान्हा और मंदरा भी थी, जिन दोनों ने युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों के परखच्चे उड़ा रखे थे, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे थे। आगे बढ़ते हैं। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन रानी को जैसे ही विजय मिली, अभी पीछे ह्यूरोज आ गया। ठीक है ना, और अब रानी फिर से दुश्मनों से घिर गई थी। इस वीरांगना की गाथा हमें बुंदेले हरबोलों के मुंह सुनने को मिलती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। ठीक है, रानी वहां पे भी हार न मानी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। सैन्य का मतलब होता है, क्या होता है सैन्य का मतलब, सैन्य का मतलब होता है सेना, सैन्य का मतलब होता है सेना। फिर नाला, नाला जो बहुत ही छोटा सा होता है उसके बीच, उसको कहते हैं नाला। संकट, संकट का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, मुसीबत वाली घड़ी। विषम, जिसको पार ना किया जाए। अपार, बहुत ज़्यादा। अपार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसे पार ना किया जाए। विषम का मतलब होता है कठिन, विषम का मतलब होता है कठिन। अपार का मतलब होता है जिसे पार ना किया जाए।
अड़ा, अड़ा का मतलब होता है फंस जाना, ठीक है ना, घोड़ा मतलब कि रुक जाना या फंस जाना, उसको कहते हैं अड़ा, ठीक है। और शत्रु दुश्मन बहुतेरे, बहुत सारे, वार पर वार मतलब एक दूसरे पर वार पे वार, घायल होके सिहनी सिहनी शेरनी, उसे वीर गति, वीर गति मतलब कि शहादत, ठीक है, वीर गति का मतलब होता है शहादत, ठीक है। शहादत पानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने हार नहीं मानी और मारती काटती सेनाओं को, अपने से दुश्मनों की सेनाओं को मारती काटती वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो उसने रुकने का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब वीर गति, जब शहादत पानी हो तो कोई भी नहीं रोक सकता है। घोड़ा नया था और आगे नाला आ गया था, और घोड़ा उस नाले को देख करके रुक गया, वो वहाँ फंस गया, ठीक है। और रानी एक थी और उनके शत्रु बहुत सारे थे, और उन पर वार होने लगे। एक रानी के ऊपर 10-10 सेना, 20-20 सेना खड़ी थी, और उन पर वार होने लगे थे, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो घायल हो करके उन्हें शहादत प्राप्त हुई, यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हो गई। वो वहाँ पे वो अंग्रेज़ों ने उन्हें जख्मी कर दिया। बुंदेलों के मुँह, इस वीरांगना की बहुत सारी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है। रानी गई सिधार, सिधार का मतलब रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, अब बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका अर्थ है कि रानी गई सिधार, सिधार का मतलब होता है शहादत पा लेना, सिधार का मतलब होता है शहादत पा लेना, यानी कि वो चिर निद्रा में सो गई। दिव्य अलौकिक, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, तेज से तेज मतलब कि आग से आग, सच्ची सच्ची यानी कि जो हमेशा सच का साथ दे। उम्र यानी कि वर्ष 23, 23, मनुज मनुष्य, अवतारी ईश्वर की कोई अवतार, ठीक है। दिखा गई पथ रास्ता, सिखा गई हमें, समझा गई जो सीख सिखानी थी, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यह कह रही है कि रानी जो थी वो वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो गई, और अब उनकी जो सवारी थी वो अलौकिक थी, ठीक है, अब उनकी चिता ही उनकी सवारी थी। मिला तेज से तेज, यानी कि रानी में भी तेज था, आग था, और आग से आग मिल गया, और वो एक सच्ची अधिकारी थी, और उनकी उम्र अभी केवल 23 साल की थी। शायद वो कोई मनुष्य नहीं, वो कोई ईश्वर द्वारा भेजी गई दूत थी, जो हमें सिखा गई कि स्वतंत्रता का महत्व, हमें समझा गई, वो हमें एक रास्ता दिखा गई, वो हमें वो सीख सिखा गई जो उसे सिखानी थी। बुंदेलों के मुंह, हमने इन वीरांगना की कई कहानियाँ सुनी हैं, जो हमें क्या करती है, जो हमें इंस्पायर करती है, जो हमें ये बतलाती है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी मूल्यवान है। आगे बढ़ते हैं। जाओ अंग्रेजों, जाओ रानी याद रखेंगे, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि इसमें हम बताया गया है कि जाओ रानी याद रखेंगे हम तुझे, रानी तुझे हम हमेशा याद रखेंगे। तेरा कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है तेरा उपकार, हम भारतवासी
कभी नहीं भूलेंगे। यह तेरा बलिदान जो तूने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, हाँ, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये हम सबको क्या करेगा, जगाएगा हमारे अंदर का, हमारे अंदर ये इस तरह के जोश को पैदा करेगा। और तेरा तूने जो हमारे लिए किया है वो कभी भी नाश नहीं होगा। होवे चुप इतिहास, चाहे इतिहास क्यों ना चुप रहे। लगे सच्चाई को फांसी, चाहे सच्चाई को कोई कितना भी झुठला ना दे। हो मदमाती विजय, मिटा चाहे तेरे विजय को, तेरे विजय को चाहे मिटा, तेरे विजय को, ठीक है, तेरे विजय को या तेरी झांसी को चाहे गोलों से, गोली से ही क्यों ना उड़ा दिया जाए, गोली से ही क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन तू हमेशा विजय थी और विजय ही रहेगी। तुझे किसी के किसी तरह के प्रूफ की ज़रूरत नहीं, तू अपने आप में एक मिसाल थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरे लिए चाहे कोई स्मारक यानी कि कोई स्टैचू बने या ना बने, तू खुद अमिट निशानी है। तेरी कोई निशानी बने या ना बने, ठीक है, तू अपने आप में एक बहुत बड़ी निशानी है। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चाहे तो कोई तुझे याद करे, तेरे बलिदानों को चाहे कोई याद करे, तेरे लिए कोई स्मारक बनाए या ना बनाए, तेरे झांसी को चाहे गोले बारूदों से कोई उड़ा दे या ना उड़ाए, लेकिन तू अपने आप में एक मिसाल है, ठीक है। और बुंदोलो और बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हे वीरांगना, तुझे मेरा शत शत प्रणाम। हे वीरांगना, तेरी इस कहानी को हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, और हमेशा तुझसे हम क्या लेते रहेंगे, तुझसे हम नई सीख एक प्राप्त करते रहेंगे। तूने जो हमारे लिए किया है शायद ही कोई कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो थे इस लेसन को आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर लेंगे, नया पार्ट लेंगे, और आपको एक बार फिर से अच्छे से आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। विद दिस आई वाइंड अप चिल्ड्रन, विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस। Thank you so much.